मैं कीर्ति परोहा 11th बायोलॉजी की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। और बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 5th यूनिट के अंतर्गत गति एवं प्रचलन, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे संधि। हमारा शरीर जो है उसमें एक प्रमुख तंत्र है कंकाल तंत्र, जो हमारे शरीर को एक निश्चित आकृति और आकार प्रदान करता है। और ये जो कंकाल तंत्र है विविध प्रकार की हड्डियों उपास्थियों से मिलकर बना होता है, जिसे लिगामेंट और टेंडन्स के द्वारा जोड़ा जाता है। इन सबके सामूहिक क्रिया विधि के द्वारा ही हम अपने शरीर में गति एवं प्रचलन कर पाते हैं। तो कितने प्रकार की संधि हमारे शरीर में पाई जाती है, इसको हम समझते हैं, जो कि हम समझेंगे प्रश्नोत्तर विधि से चित्र सहित। सबसे पहला प्रश्न है, संधि किसे कहते हैं? विविध प्रकार की संधियों का वर्णन कीजिए। तो दो या दो से अधिक अस्थियों के मिलने का वह स्थान जहां अस्थियां परस्पर जुड़ी हों, संधि कहलाता है। क्योंकि अस्थियां खुद मूव तो नहीं होती, लेकिन उनको ज्वाइंट दे करके वो मूवेबल बनती हैं। तो दो या दो से अस्थियों के मिलने का स्थान जहां अस्थियां परस्पर जुड़ी हों, संधि कहलाता है। संधियों में जुड़ी अस्थियां मांसपेशियों एवं कंडरा की सहायता से गति करती हैं। मनुष्य में गति के आधार पर संधियां जो होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? ये तो पूर्ण या चल संधि, दूसरा अपूर्ण संधि, और एक होती है इमूवेबल ज्वाइंट। तो पहले हम देखते हैं पूर्ण या चल संधि, जिसको कहते हैं परफेक्ट और मूवेबल ज्वाइंट। अर्थात इसमें क्या है, अस्थियां स्वतंत्रता पूर्वक गति करती हैं। अस्थियों के सिरे हाइलाइन उपास्थि से ढके रहते हैं। संधि युक्त दो अस्थियों के मध्य लिगामेंट और साइनोवियल गुहा होती है, जिसमें साइनोवियल द्रव भरा रहता है। मान लीजिए ये दो अस्थियां अगर हम एक चित्र ड्रॉ से समझें, तो इन दो अस्थियों के बीच में जो फ्लूड होगा वो कैसा होगा, ये जो कैविटी होगी ये साइनोवियल कैविटी, और इसमें डॉट मतलब ऐसा साइनोवियल फ्लूड भरा रहता है। इसके कारण संधि अस्थियां जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर इजीली मूव कर सकती हैं। इसके अंतर्गत आती है पूर्ण अचल संधि। पूर्ण या चल संधि के अंतर्गत पहली संधि है कंदुक खल्लिका संधि, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। इस प्रकार की संधि में अस्थि का एक कंदुक और दूसरी अस्थि की खल्ली का सॉकेट में इस प्रकार फिट होता है कि चारों ओर घूम सके। इसका एग्जाम्पल ह्यूमरस एवं अंश मेखला की ग्लेनॉइड गुहा की संधि। बॉल एक अस्थि का एक सिरा कैसे बिहेव करेगा, जस्ट लाइक अ बॉल, और अस्थि का जो जो दूसरा सिरा जिससे इसको ज्वाइंट होना है वो एक सॉकेट की तरह बिहेव करेगा, और वो इस प्रकार फिट रहेंगे जिससे कि उसको पूर्ण रूप से वो घूम सके, चारों तरफ घूम सके। जैसे हमारे कंधे की और पैल्विक श्रेणी की जो संधियां हैं वो इसी प्रकार की बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का उदाहरण है। ये यहाँ पे हम आपको डायग्राम के माध्यम से प्रदर्शित किया। दूसरा देखते हैं हम खूंटीदार संधि या पिवट ज्वाइंट। इसमें क्या होता है, अस्थि का नुकीला भाग दूसरी अस्थि के गड्ढे में इस प्रकार फिट होता है कि दूसरी अस्थि नुकीले भाग के चारों ओर घूम सकती है। उदाहरण एटलस और खोपड़ी की अस्थि। जैसे कि हमारी जो स्कल इस प्रकार से रहता है, ऊपर का जो एटलस वर्टिब्री है वो इस प्रकार की नुकीली रहती है, और इसके ऊपर जो स्कल फिट होती है तो ऐसे गोल राउंड में होती है। तो ये कहलाता है पिवट ज्वाइंट या खूंटीदार। तीसरा है कब्जा संधि या हिंज ज्वाइंट। इस प्रकार की संधि में अस्थियों में गति एक निश्चित सीमा तक एक ही दिशा में होती है, जैसे हमारे घुटनों की और कोहनी की संधि। यहाँ पे क्या होता है, ये एक ही जगह घूम सकते हैं, चारों ओर घूम नहीं सकते। फिर है सैडल ज्वाइंट या सैडल संधि। यह संधि कंदुक खल्लिका के समान होती है, लेकिन कंदुक खल्लिका के अंदर ठीक से नहीं घूमता, पूर्ण रूप से नहीं घूमता। जैसे अंगूठे की मेटाकार्पल और कार्पल के बीच की संधि उसी प्रकार से होती है, लेकिन ठीक से नहीं घूम पाता। चौथा है फिसलन या विसर्पी संधि या ग्लाइडिंग ज्वाइंट। इसमें संधि स्थान पर अस्थियां एक दूसरे पर आसानी से सीमित दिशाओं में फिसलती हैं, जैसे रेडियो अल्ना एवं कार्पल के मध्य होने वाली संधि। तो सीमित दिशा में फिसल सकती हैं एक दूसरे पर। फिर है दूसरा प्रकार अपूर्ण संधि या इम्परफेक्ट ज्वाइंट। ऐसी संधियों में अस्थियां उपास्थियों के द्वारा जुड़ी होती हैं, साइनोवियल गुहा और द्रव अनुपस्थित होता। मतलब संधि या ज्वाइंट लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट है साइनोवियल गुहा और साइनोवियल फ्लूड का होना, जो कि इसमें नहीं होता।
इसलिए अस्थियों में बहुत ही कम गति होती है। जैसे कशेरुकाओं के बीच की संधि, जो हमारा कशेरुक दंड है उसके बीच में जो बैठी हुई है उनके बीच में जो संधि होती है वो अपूर्ण संधि का उदाहरण है। तीसरा प्रकार है अचल संधि या इमूवेबल ज्वाइंट। इस प्रकार की संधि में अस्थियां इस प्रकार मजबूती से जुड़ी होती हैं कि गति की संभावना बिल्कुल नहीं होती। जैसे कपाल की अस्थियों के बीच की सीवन, जबड़ों के गर्त व दांतों के बीच की संधि। कपाल की जो अस्थियां रहती हैं स्कल की, वो ऐसे सूचर के माध्यम से ऐसे जुड़ी हुई रहती हैं, लेकिन वो आपस में गति नहीं कर सकती हैं। तो बच्चों, ये था मानव शरीर की इंपॉर्टेंट संधियों के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के चैप्टर डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।